आपको अपने आप को ऐसा निर्जीव बनाना पड़ता है कि जैसे जिधर ले जाए, जैसे गुरु कराए, और उनके पास बैठे हुए और जो ऊंची चोटी पर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे उन लोगों को देखा, उनके पास जाके शोर मचाओ, हिलाओ डुलाओ, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं थे। और कितनी भी एज हो गई होगी, बच्चों जैसा ही चेहरा लगता था। अद्भुत लोग हैं जिनके ऊपर काल का प्रवाह नहीं आया। जंग तो लगता है ना यहां जैसे लोहे में लगता है, लेकिन उनकी बॉडी पर कहीं वो प्रभाव नहीं दिखाई दिया कि इतनी आयु हो गई है। आहार भी बहुत नपतुला दिया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये प्रयोग बताए हैं बहुत अद्भुत हैं। और देखिए, भगवान ये समझाना चाहते हैं आपको कि तुम मेरी तरफ आना चाहते हो और मुझे पाना चाहते हो ना, ये सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दीजिए। और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रयोग करने लग जाएं। प्रयोग में हर चीज शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जब आप उसमें चलने लग जाते हैं फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। कठिनाइयों को, समस्याओं को सुलझाना अगर आपको आ जाए तो उसके बाद प्रकृति आपको, नेचर की एक आदत है, जब आप उसे जीतने लग जाते हैं ना फिर वो सहयोगी बन जाती है और फिर हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। शुरुआत में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, शुरू में आपको जीतने के लिए आपको मजबूत बनना पड़ेगा, बाद में तो वो इतनी सहयोगी बन जाती है आपके लिए कि आप हैरान हो जाओगे कि क्या कुछ घटने लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि बहुत गंभीरता में और गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको, नहीं तो आप सोचेंगे कि कौन से विषय में और कहाँ लेके जाने लग गए हैं। सरल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली बात हुई कि एकांत चुनिए, अकेला जहाँ आप बैठ सकें, और वो जगह आपकी है और निर्विचार हो, खुद से संवाद करो, खुद से बातचीत करो, खुद से सवाल करो, खुद को नया रूप देना शुरू करो। आपकी डायरी, आपका पेन और संसार से जोड़ने वाली कोई चीज वहां ना हो, ताजी हवा आए जाए, अनुकूल वातावरण बनाना। हिमालय की कंदरा आपको अपने घर में बनानी पड़ेगी। जैसे इन दिनों मौसम है ना, जब आप यहां बैठे हुए हैं तो ऐसे ही कोई वस्त्र ओढ़कर, क्योंकि वस्त्र भी आपको अपने वही तैयार करने पड़ेंगे जो आपके पूजा के वस्त्र हों, और कोई सुगंध भी वो वाली चाहिए जो चंचलता पैदा ना करे। इसलिए अपने यहां अगर है, तगर है, चंदन है, गूगल है, हाउवेयर वगैरह, ये सब वही चीजें हैं जो आपकी चंचलता को रोकते हैं। आरोमा थेरेपी चलती है ना, तो यहां बस आपको उतना ही करना है कि उतनी सुगंध आती रहे कि आपका चित्त शांत रहे। वस्त्र हो गए, स्थान हो गया। अब इसके बाद अगली चीज आपको करनी है कि जहां आप बनाए अपना स्थान, उसके पास में ऐसी जगह होनी चाहिए कि अगर बीच में से उठ के जाना भी पड़े तो आप जाएं, लेकिन उतने गैप के बीच में आप इतना बड़ा गैप मत दे देना, आप भगवान के धाम से दूर हो जाएं। जाएं आए और फिर आके बैठ जाएं, जाएं और आने में भी बीच में कहा गया उतनी देर में जाप करते रहना अपना, उतने देर में अपने प्रभु के वो सब कृपाओं को याद करते रहना जो उसने आपके ऊपर की है। और हर एक उस व्यक्ति को जो साधक है, जिसे भगवान की तरफ जाना है, उसे सबसे पहले परमात्मा की 10 नेमत याद करनी होती है। ये बात याद रख लीजिए, 10 नेमत, कम से कम परमात्मा की दी हुई 10 वो चीजें जिसके लिए आप थैंक्स कर सकते हो। दस वो चीजें याद करो जिन संकटों से आपको निकाला, जिस मुश्किल से, जिस चिंता से आप उभरे,
जिस स्थिति से आप बचे, भगवान के संकट मोचक वाले रूप को याद करिए, परमात्मा के दाता वाले 10 रूपों को याद कीजिए, परमात्मा सखा बनकर आपको संभालता रहा उस रूप को याद कीजिए, और जिस समय आप बीच में गैप आता झड़ी लगा दो, उस समय तू ये भी है, तू ये भी है, तूने ये भी किया, तूने ये भी किया, और उसके बाद गदगद होकर कहना, परमात्मा तूने कितनी कृपा की, एक मैं ही ऐसा नादान हूँ, तेरा धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर पाता। और फिर सिर झुकाकर प्रणिपात करना, अपने यहाँ प्रणिपात माना जाता है, दूसरे लोग सजदा कहते हैं, लेट जाओ सीधे और आगे हाथ ले जाके प्रणाम करो। दुनिया कहेगी पागल आदमी है। ठाकुर रामकृष्ण देव ने जैसे प्रणिपात वो करते थे ना, अद्भुत रूप था उनका। बेलूर मठ में बहुत पहले कई बार जाना आना हुआ, इस बार जल मार्ग से जा रहे थे तो महसूस हो रहा था कि कभी कितनी कृपा रही होगी। ठाकुर रामकृष्ण देव वहां बैठकर साधना करते थे, माँ जगदम्बा से बात करते थे, वहां नरेंद्र मिले और उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। उनके शिष्य थे मथुरा बाबू। मथुरा बाबू ने कितना आनंद में आकर अपने सदगुरु के लिए बहुत नए सुंदर वस्त्र बनवाकर लेकर आए और कहा, सदगुरु हमारे मन की इच्छा रख लेना, ये वस्त्र अपने तन को लगा लीजिए, पहन लेना इनको, जिस रूप में हम इन वस्त्रों में आपको देखना चाहते हैं आप वैसे एक बार दिखाई दें, कितना आनंद आएगा हमें। शिष्य की इच्छा होती है ना कि अपने सदगुरु के लिए कोई ऐसी चीज अर्पित करे जिसके माध्यम से उसे अपने शिष्य की याद आती रहे। तो मथुरा बाबू ने जो है वो वस्त्र दिए। अब ये इतने भोले थे, त्रिकालदर्शी होने के बाद भी गुरु में भोलापन बहुत होता है, सब कुछ जानते हैं समझते हैं, आदमी के आर पार देख लें, लेकिन जब भोले भाव में आएंगे फिर कुछ नहीं देखते। जैसे माँ बच्चे की हर गलती को जानती है लेकिन उसके बाद भी उसके ड्रामे में जरूर आ जाती है। जब बच्चा नया नया ड्रामा करता है, नई माँ ऐसा वैसा, वो रोज नई कहानी बना के लाता है ना, उसके कहानी में आ जाती है माँ। पहन लिए वस्त्र। अब पहनने के बाद में ठाकुर रामकृष्ण देव, रामकृष्ण परमहंस, समय जब हो गया भगवान की पूजा करने का, कीर्तन चल रहा है, नाम जपन चल रहा है, तो बीच बीच में बहुत आनंद में आकर उनकी कृपाओं को याद करके वो दंडवत प्रणाम करते थे, प्रणिपात करते थे, जमीन में लेट जाएं और ऐसे लेट करके प्रणाम करें। लेकिन जब भी वो प्रणाम करने के लिए घुटनों के बल बैठें और लेटना शुरू करें, उसी समय ध्यान आ जाए, बड़े नए वस्त्र हैं, कीमती वस्त्र हैं, मिट्टी है, कहीं खराब ना हो जाए। अब 3 बार ऐसा हुआ, वस्त्र बीच में आ जाएं और प्रणिपात पूरा हो नहीं। चौथी बार में तो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए ऐसे। अब मथुरा बाबू दौड़कर आए, क्या हुआ? बोले, जो वस्त्र तुमने दिए कीमती होंगे लेकिन वो कीमती नहीं जो मेरे भगवान से मिलने के लिए बाधा पैदा करता हो, वो कीमती नहीं। दुनिया की कोई भी चीज वो कीमती है जो भगवान से जोड़े, जो बाधा पैदा करे उसकी जरूरत ही नहीं है। लेट कर ऐसे प्रणाम करना, भगवान की कृपाओं को नोट करके रखिए अपने दिल में। पहले तो कागज पे नोट करना होगा, अभ्यास करना होगा आपको, और फिर उसकी मेहर को याद करते करते ना बोलते जाओ, उसके पतित पावन रूप को याद करो, उसके संकट मोचक रूप को याद करो, उसके दाता भंडारी वाले रूप को याद करो, और सारे रूप याद कर करके थैंक्स करना शुरू करो।
किस किस बात के लिए तुझे धन्यवाद दूं? तो लगातार कृपा करता है। नादानियां मेरी कम नहीं है, दोष मेरे कम नहीं है, लेकिन बख्शनहार माफ करने वाले परमात्मा तेरे माफ करने में भी कमी नहीं है। तो माफ भी करता है, तो संभालता भी है। कितने कितने अवसर तूने मुझे दिए और हर बार मैंने कहा एक मौका और दे, अब की बार देखना मैं कहां पहुंचता हूं, और फिर मैं गलती कर बैठा। प्रायश्चित भी हो, क्योंकि देखिए बड़ी चीज होती है कि आप जिस रूप में हैं, जिस ठोस रूप में है, उससे आपको पिघलना चाहिए, द्रवित होना चाहिए। जब तक आप द्रवित नहीं होंगे तब तक आप बहेंगे नहीं, और बहेंगे नहीं तो सागर से, परमात्मा के प्रेम सागर से मिलोगे नहीं। आपको तो बह करके ही जाना होता है, और जब तक पिघलोगे नहीं आपकी भक्ति होगी नहीं, ये बात ध्यान रख लेना। और पिघलने के लिए जरूरी है कि गदगद होना जरूरी है, और गदगद होने के लिए आपको नोट करना जरूरी है। तो इसलिए नोट करना शुरू करो भगवान की जो कृपाएं हैं। जब आप आसन पर बैठे हुए हों, आपके वस्त्र भी ठीक हैं, आप पूरा ध्यान में भी बैठ रहे हैं, बीच में उठ के जाना भी पड़े, तो उस बीच में अपना मूड पहले से और बेहतर बनाए रखने के लिए वहाँ भी प्रयोग करने हैं कि वह आप उस समय कृपाओं को याद करते हुए जाओ, कृपाओं को याद करते हुए आओ, और जब आओ तो एक बार घुटनों के बल बैठ के फिर से प्रणाम करो भगवान को। जब तक वो गदगद भाव वाला रूप नहीं आएगा, धन्यवाद करने के लिए आप तत्पर नहीं होगे, तब तक वो मेहर होगी भी नहीं। और जब उसकी मेहर होने लग जाती है ना, तो फिर एक बात ध्यान रखना, विभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं आपको, सिद्ध हो जाओगे आप। और सिद्ध व्यक्ति के पीछे पीछे तो कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, गंगा के जल की तरह से मन हो गया निर्मल। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, अब भगवान पीछे पीछे है कि सुन तो सही, सुन तो सही, तो बोल तुझे क्या चाहिए। योग क्षेमम वहम्यम, भगवान कह रहे हैं गीता में कि तू इस स्थिति तक पहुंच तो सही है, फिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारी क्या रक्षा होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी फिर मैं संभालता हूं, क्योंकि तूने इधर अर्पित कर दिया अपने आप, जो चाहिए वो मिलेगा। इसलिए सब लोगों की कोशिश होती है कि जिस गुरु की कृपा से हमारी जिंदगी में ये बात बनी, हम उसके लिए क्या क्या कर दें, उनके साथ कैसे रहें, क्या कुछ करने का मौका मिले। सरदार पूरण सिंह थे जो स्वामी रामतीर्थ के साथ रहते थे, और बहुत जबरदस्त लेखक थे, बड़े अच्छे चिंतक थे। उन्होंने जितना लिखा, उनके जो निबंध हैं, सरदार पूरण सिंह के निबंध जो है उनके ऐसे, वो टेंथ तक तो उनके ऐसे हिंदी वालों को पढ़ाए जाते रहे हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के और इधर जो है सरदार पूरण सिंह के, वो अपने गुरु के स्वामी रामतीर्थ के इर्द गिर्द रहते थे। पता नहीं कब कौन सी बात कैसे कह जाए, क्या उनके अंदर से निकल आए, क्या कोई वचन ऐसा कह दें कि जीवन को धन्य कर दे। और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरु के सोने के बाद उनके श्वासों की आवाज में भी ओंकार का नाद सुना करता था, कि जैसे ओंकार का नाद चल रहा है। उनका नींद भी नींद नहीं थी, वो भी भगवान का ध्यान था, भगवान के ध्यान में बैठे हुए जैसे लेटे हुए हर पल। कहते ना कि जब आप नींद में भी जा रहे हो तो नींद में जाते जाते भी अपना ध्यान सहस्रार में ले आओ, और वहीं नाद बिंदु को, मतलब ओंकार के नाद को, भ्रामरी को महसूस करो कि गूंज चल रही है, और उसी स्थिति में कब नींद आ जाए तुम्हें पता ना लगे, तो तुम्हारा सोना भी ध्यान बन जाएगा। कहते ना कि तुम्हारा चलना चलना नहीं, वो प्रदक्षिणा हो, तुम्हारा सोना भी सोना नहीं हो, वो तुम्हारी समाधि हो जाए, और तुम्हारा भोजन करना भी भोजन नहीं हो, वो प्रसाद ग्रहण करना हो जाए, और तुम्हारा कर्म भी कर्म नहीं हो, वो उसकी सेवा बन जाए।
जल भी ग्रहण कर रहे हो तो इतने आनंद से लेना कि वो चरणामृत है भगवान का। तुम जहां जिस रूप में बैठे हो अपने प्रभु से अपने आप को जोड़ दो। बंगाल में जो ये बाउल फकीर हुए ना, इनके गीत और इनके जो बाउल गाथा कभी आप पढ़ें, वो जो उनके गीत हैं या क्या अद्भुत है। क्योंकि जो सीधे खड़े होकर के अपना साज बजाते बजाते और ऊपर वाले के साथ जुड़ते हैं, कभी पढ़ने का मौका मिले तो आपको लगेगा कि इतने बड़े सूत्र हैं उनके, ऐसे रहस्य उनके अंदर भरे हुए हैं, लगता है एक एक भजन भजन नहीं है, मंत्र हैं पूरे पूरे। तो इसलिए आपसे मैं कहने लगा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एकांत की को चुनना, और फिर अगला शब्द कहा लघुवासी, मतलब खाना पीना मर्यादा में, ये अगला चरण है। भोजन को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये गुरु को नियत करना होता है। जब आप साधना काल में होते हैं कि आपको कंद देने हैं या मूल देने हैं या शाक देने हैं, शाकपात देने हैं या बीज देने हैं, कौन सा आहार कराना है, ये सारे बीज ही हैं जो आप गेहूं से लेकर के ये चावल, ये दालें, ये जो सब खा रहे हैं ये सब बीज हैं, और जो ये सब्जियां खा रहे हैं आप लोग ये पात हैं, और जो ये कंद है शकर कंद से लेकर के आपके जो ये आलू ये भी कंद है, और गाजर है ये मूल है, मूल ही वो तो मूल है ये। तो आपको अलग अलग, क्योंकि आपके नाड़ी से देखने के बाद और आपका ओरा चेक करने के बाद फिर ये तय करना होता है कौन सा भोजन देना है, किस तरह से आपको रखना है। फिर आपको पिरामिड का भी एक ध्यान होता है जो सुबह सुबह कराया जाता है, और शाही कक्ष में बैठाकर आपके ऊपर किरणें डाली जाती हैं। समस्या क्या है कि अगर आपके पास गुरुदेव एक बड़ी भूमि में ये सारी चीजें एक जगह लगाएं और अलग अलग लोगों के साथ बैठकर कौन किस स्थिति का है उस पर वहां कार्य शुरू किया जाए, जीवन पर प्रयोग करने के लिए महान पुरुष लोग आश्रमों का निर्माण करते हैं, और आश्रमों में ही भारत की संस्कृति तैयार हुई है। संदीपनी का आश्रम हो या वशिष्ठ का आश्रम हो या कण्व ऋषि का आश्रम हो या कणाद का रहा हो या जैमिनी का रहा हो या गौतम का रहा हो या कपिल मुनि का रहा हो, इससे हमारी संस्कृति पनपी है। हो सकता है कि कहीं आश्रमों की वो परंपरा लुप्त हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे रूप में होने लग जाए, तो गुरुओं के आश्रम में ये सब चीजें हो, वहां बैठकर प्रयोग करने का मौका मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गीता को ऐसे पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। भगवान ने तो एक एक शब्द ऐसे रखा है, पूरी सीढ़ी बता दी कि ऐसे चलकर आओ और तुम पहुंच जाओगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक 108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे, विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप
सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।